अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं काफ़ी टाइम के बाद। ये है फ्रोनस एक्सियन मॉडल है 6 किलोवाट। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी इसको सप्लाई दे रखी है। ये सप्लाई आप देख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है ये, मतलब मैंने इसके जो है ना वोल्ट आपको दिखाता चलूँ। ये मैं सप्लाई यहाँ से हटाता हूँ, इसको 50 वोल्ट में दे रहा हूँ। ये बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है पीस को, ठीक है। अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या मसला है। ये तो दोस्तों अभी बोर्ड से, अभी इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या मसला है। जी दोस्तों अभी इसको बोर्ड को बाहर निकाल चुके हैं हम, और अभी इसको देखते हैं कि बूस्टर साइड का क्या हाल है। ये बज़ाहिर तो लेग थोड़ी जली हुई है, नज़र आ रही है आपको। ये गर्म हुई है, उसको भी चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं इसमें क्या फॉल्ट निकला। अच्छा दोस्तों अभी इसको जो है ना हम आपको मीटर पे चेक करवाते हैं, जिसका बूस्टर साइड सबसे पहले चेक करते हैं। ये वाली साइड ये शॉर्ट बता रहा है, ये साइड भी शॉर्ट है, ये साइड सही है, ये साइड में दो साइडें इसकी शॉर्ट आ रही हैं और दो साइडें इसकी सही है। अभी चेक करते हैं IGBT साइड। IGBT के अंदर जो है ये चार्जिंग साइड वाले IGBT हैं, ये शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट है, ये सही है, ये भी शॉर्ट है, ये सही है, एक पीस ये डाउट भी शॉर्ट सही बता रहा है, ये ड्राइव वाला भी सही है, ये आउटपुट साइड है। दोस्तों IGBT इसमें जो है वो दो शॉर्ट आ रहे हैं, बाकी जो है सही बता रहा है। अब इसको निकालते हैं बाहर, चेक करेंगे और ये पूरी साइड निकालेंगे, मतलब चार्जिंग साइड वाली पूरी साइड निकली, उसमें से देखते हैं कितने सही हैं कितने ख़राब हैं, ठीक है। तो और बूस्टर साइड भी निकाल के आपको चेक करवाते हैं कि इसमें क्या मसला है।
ये दोस्तों लटम खोल चुके अभी को दूसरा साइड पूरे को बाहर निकालेंगे, इसको चेक करेंगे कितने फिटिंग के शॉट है और कितने इसके जो फिटिंग चाहिए। इस तरफ भी खोलिए और सारे बाहर निकालते हैं। अभी हीट सिंक भी खोल लिए दोस्तों मैंने, इसको बाहर निकालते हैं फिर आपको जो है वो दिखाते हैं इसमें क्या उसमें। दोस्तों सबसे पहले जो है ना, अब इसको पेस्ट लगा लें। पेस्ट लगाने से ये होगा थोड़ा आसानी से ये फिटिंग निकल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर मैंने पेस्ट लगाई हुई है, कुछ मैंने निकाल दिए हैं। जी दोस्तों अभी जो है हम इसको निकाल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने इसके IGBT भी निकाल दिए, यहाँ से सफाई भी कर दी, ये जो कुछ पार्ट्स जले हुए थे कैपेसिटर वगैरह ये भी शॉर्ट निकाल दिए, और ये बूस्टर साइड भी इसको वॉश कर दिया थिनर से, ये आप देख सकते हैं। अभी इसकी रेजिस्टेंस चेक करवाता हूँ मैं आपको, रेजिस्टेंस क्लियर होने के बाद उसके बाद मैं आपको इसकी बायसिंग भी चेक कराता हूँ। YouTube में कहीं भी आपको बायसिंग चेक नहीं कराई जाएगी, हमारे चैनल पे आपको पूरी मुकम्मल डिटेल वीडियो मिलेगी। तो इसकी बेस वोल्ट जो IGBT के होते हैं चार्जिंग साइड वाले के भी, ठीक है, और बूस्टर साइड वाले के जे जितने भी इसकी बेस होती है, बेस वोल्ट कितने बनते हैं, हम आपको सारा बेस वोल्ट भी चेक करवाते हैं, ठीक है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह जो है आपको सारी मालूमात देंगे इंशाल्लाह। इस पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ये इसकी रेजिस्टेंस, मैं इसकी रेजिस्टेंस मीटर से एक दफ़ा चेक करके उसके बाद आपको जो इसकी ड्राइव वोल्ट चेक करवाता हूँ। और यहाँ पर ये IGBT साइड के भी आपको ड्राइव वोल्ट चेक करवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो के साथ रहें, इंशाल्लाह जो है आपको बहुत ही अच्छी मालूमात मिलेगी। जी तो दोस्तों अभी जो है, अभी इसको जो है ना हम IGBT इसके लगा चुके हैं, ये देख सकते हैं मैंने इसमें लगाए हैं 80H65। ये मैंने सारे के सारे चेंज कर दिए, इसमें कुछ अलग अलग नंबरों के लगे हुए थे, ठीक है। और ये 4115 जेनिन वाले, मैं पुल आउट लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ जेनिन हो। तो ये आप देख सकते हैं पुल आउट वाले जेनिन, देख सकते हैं 4115। अभी इसको करते हैं बॉडी में फिट, उसके बाद इसको चला के देखते हैं कि हमारा मसपीस जो है ऑन हुआ है कि नहीं। और यहाँ पर ये अर्थिंग के लिए होता है, ये मैंने हटा दिया, सिर्फ एक ये पीले कलर का जो इसका कैपेसिटर है वो मैंने लगाया, बाकी ये सही है।
अच्छा दोस्तों, माशाल्लाह से हम जो है इसको बॉडी में फिट कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा इसको करके। अभी इसको सप्लाई लगा के, सप्लाई मैंने कर दी है 50 वोल्ट, ये थोड़ा सा कम नहीं, ये मैंने 50 वोल्ट कर दी है। अभी इसको मैं सप्लाई देता हूँ और ऑन करते हैं, फिर देखते हैं हमारा मसला हुआ है कि नहीं। जी दोस्तों, ये जो है ना आप देख सकते हैं मैंने इसको सप्लाई लगा दी है। अभी इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे पीस ने जो है 230 वोल्ट आउटपुट दे दी है। ये आउटपुट दे रहा है, इन्वर्टर मोड पे ऑन हो चुका है पीस हमारा। देख सकते हैं इसको हमने माशाल्लाह से रेडी कर चुके हैं बिल्कुल आपके सामने। देखो दोस्तों, हमने A to Z आपसे हर फॉल्ट इसका, हर रेजिस्टेंस, हर चीज़ शेयर करी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आगे दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।